करके बड़ी खुशी हुई कि आप इवेंट मैनेजमेंट तो हो ही रहा है बट फॉर द फर्स्ट टाइम आप उसको इवेंट मैनेजर्स डे बना रहे हैं। ये एक बहुत ही खुशी की बात है और मैं इसके लिए आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, यू आर अगेन वेलकम एट सिटी लाइव डायलॉग्स। एज यू नो वी आर मीटिंग टू आवर लीजेंडरी एसोसिएट्स ऑन द ओकेजन ऑफ इवेंट मैनेजर्स डे। It's a matter of proud for me to sit with Mr. BHIM SINGH ji, who's I can say founder of tourism and tours industry in Rajasthan. He is a very famous personality in our industry, and I really feel nice to having a word with him. He has started Rajasthan Tours in 1959 and completing 60 years this year in 2019. BHIM SINGH ji, aapka bahut bahut swagat hai. You have seen the industry growing, you have seen things are changing, you have seen hotels are changing, transforming. तो आज के हालात में अगर राजस्थान टूर शुरू होता तो आपको कैसा लगता? ये मैं एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। ये बड़ा टिकलिस क्वेश्चन है कि क्योंकि इसमें क्या है कि राजस्थान में जो मेन ट्रैवल कंपनी है वो नहीं काम कर सकती, उसकी तो जो है यहीं पर लोकल एजेंसी जो दिल्ली बॉम्बे में बैठे हैं उनका काम देख सकती है, या ऑनलाइन जो बिजनेस अभी स्टार्ट हो गया नया जो 2 साल पहले, उसके कारण से ये सारा चेंजेस आ गए और डायरेक्ट बिजनेस उसके थ्रू भी मिलने लग गया। पहले सिर्फ ओनली यूज टू गेट द बिजनेस फ्रॉम द ट्रैवल कंपनीज बेस्ड इन बॉम्बे एंड दिल्ली, मोस्टली ऑल्सो सम फ्रॉम द कलकत्ता। सो दिस वॉज द ट्रेंड ड्यूरिंग द ओल्डन टाइम्स, बट द मॉडर्न टाइम हैज चेंज्ड ओनली दैट द ऑनलाइन बिजनेस हैज कम। नाइस। अब वो एक क्रिस्पी सा क्वेश्चन मैंने जस्ट टू स्टार्ट विथ आपसे पूछा था। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, लाइक हम लोग आज इवेंट मैनेजर्स डे की जो हमारी सेलिब्रेशन है उसके तहत ये टॉक शो कर रहे हैं, तो जो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है और जो आपकी इंडस्ट्री है वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक साथ किस तरीके से इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे मैं आपका नज़रिया थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। इसमें तो मैं तो यही कहूँगा कि एक जो इवेंट मैनेजमेंट है ये इज़ ए ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट ऑफ द ट्रैवल कंपनी। जो ट्रैवल कंपनी काम करती है वो उससे कहीं ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रैवल कंपनी के काम होता है आइटनरीज बनाना, सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट, गाइड, एलिफेंट, टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनके लिए प्रोवाइड करना, और होटल बुकिंग्स करना, और होटल बुकिंग में भी राजस्थान में असिस्ट करना, क्योंकि बुकिंग मेनली होटल बुकिंग्स आर मेनली डन बाय द ट्रैवल कंपनीज, और इवन सम
event management company, are also connected with the hotels, and वहाँ से भी उनको business मिल सकता है, मिलता है उनको। मैं जो बात जानना चाह रहा था कि हम कैसे एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, event management और tours and travels। एक ही है event management, जैसा मैंने कहा कि it is in a broader sense of travel company. हम कोई भी वेडिंग इज अ पार्ट, एग्जांपल ले लीजिए, वेडिंग का जो एस्पेक्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ होती है जो ट्रैवल कंपनी नहीं कर सकती और नहीं करती है, और ये जो नया एस्पेक्ट आया है जो कि लॉट ऑफ ट्रैवल कंपनीज और लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग, राजस्थान हैज बिकम ए ग्रेट डेस्टिनेशन with all the beautiful places where they can arrange weddings, and the travel company is only arranging the hotels, as I said, yeah, or transport, but not the broader part of the wedding, which is known as the event management. अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कुछ हमारे को वेडिंग के लिए कुछ एग्जॉटिक, कुछ ऐसे डेस्टिनेशन आप बताएं, क्योंकि आपकी नज़र में पूरा राजस्थान है, आपको तकरीबन हर जगह का अंदाज़ा है, कि जो ऐसे वेन्यूज़ हैं जिन्हें एज वेडिंग डेस्टिनेशन डेवलप किया जा सकता है, जहाँ पे इस तरीके की शादियाँ, जो NRI वेडिंग्स या जो भी डोमेस्टिक वेडिंग्स भी आ रही हैं, उनको हम लोग कर सकते हैं, वो कुछ वेन्यूज़ अगर आप हमें बता सकें. इन दिस कनेक्शन आई वुड लाइक टू से that Rajasthan is a ready-made destination for tourism, and also it is also like places like Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, these five stations are already made for tourism, and the rest other places which were there, smaller places, the infrastructure has already developed and can be used for weddings, heritage properties, palaces, havelis, they are also can be used for event management, for arranging weddings in these places. Do you have some venue in mind, जिसे देख के आपको लगाओ कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जो थोड़ा सा अभी इस हालत में ना हो, या जिसको इस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? बाकी जगह तो सब डेवलप हो चुकी है, बट उनकी जो ऑफ शूट्स है, जैसे स्मॉलर प्लेसेस है, लाइक आई वुड से दैट भरतपुर है, अभी मैंने कुछ अटेंड भी किया है वहाँ वेडिंग, और दूसरी जो वेडिंग बीकानेर में भी अभी स्टार्ट हुई है कुछ, और वहाँ का डेस्टिनेशन बहुत सुंदर है, क्योंकि वहाँ की हवेली और वहाँ का डेस्टिनेशन बड़ा उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, वहाँ बढ़ा सकते हैं. जैसलमेर भी अभी स्टार्ट हुआ है, वैसे जैसलमेर में कुछ वेडिंग सभी स्टार्ट हुई है, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जब लोगों को मालूम हुआ, क्योंकि बड़ी एक्सक्लूसिव जगह है वो, और उसके अंदर वहाँ पर फॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया कि आप 500 आदमी 1000 आदमी भी लाए तो आप वहाँ को पाक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही डेस्टिनेशन बनेगा. सर, हमारे इवेंट मैनेजर्स डे है 31 मई को, तो आई वुड लाइक कि आप हमारे जितने भी साथी हैं उनको इसके ऊपर शुभकामनाएं दें, तो वो मैं चाहूँगा कि एक फाइनल वर्ड्स एज अ लास्ट कोट. पूरी दुनिया के 50 देशों के अंदर ये इवेंट मैनेजर्स डे मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2014 में जयपुर से ही हुई है, तो वह मैं चाहूँगा कि आखिरी में आप ज़रा सा हमारे साथियों को एड्रेस करें. ये जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आप इवेंट मैनेजमेंट तो हो ही रहा है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आप इसको इवेंट मैनेजर्स डे बना रहे हैं. ये एक बहुत ही खुशी की बात है, मैं इसके लिए आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, और ये और आगे ये काम आपका और बढ़ेगा, इसके लिए मैं आपको
बधाई देना चाहता हूँ।